वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर्स के ऊपर जिनके ऊपर आज के दिन एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिला है। सिर्फ लेवल के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चाहते हो इन शेयर्स के ऊपर या किसी और शेयर के ऊपर कोई डिटेल वीडियो तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में मैसेज करना। इसका नाम है साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 180 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग हुई करीब 11% के आसपास डे हाई पे। तो एक बार हम इसका लेवल देख लेते हैं। जैसे कि अभी का जो इसका लेवल है तो 180 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है और इसने 50 DMA का सपोर्ट को ब्रेक किया रिसेंटली और 200 DMA के सपोर्ट को भी काफ़ी टाइम पहले ये ब्रेक कर चुका है। अभी के लिए अगर आपके पास शेयर है तो इसमें ना हमें है ना एक SL पे फोकस करना चाहिए। जो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग SL आ रहा है वो आ रहा है करीब 170 रुपीज़ का और जो इसका प्राइस है अभी 180 के आसपास। अगर ये इस प्राइस पे 2 या 3 दिन सस्टेन हो जाता है तो पूरे चांस है आने वाले टाइम में इसमें अच्छी खासी रिकवरी के। और जो हमारा टारगेट है इसमें 200 का टारगेट है अभी के लिए, शॉर्ट टर्म का टारगेट है। पर SL 170 रुपीज़ का एक स्ट्रॉन्ग SL है, इसको फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पर 200 DMA सपोर्ट है। अगर इसे ब्रेक करा तो सीधा ये 160 के आसपास सपोर्ट लेगा। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है करीब 826 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है करीब 11% के आसपास डे हाई पे। और अभी के लिए देखोगे ये शेयर ने अपने 52 वीक का जो हाई है उसको ब्रेक कर चुका है। अच्छा खासा मूव चल रहा है। अगर आप देखोगे एक टाइम में बहुत अच्छा जैसे कैपिट है उसी तरह ही शेयर परफॉर्म कर रहा है। एक अच्छा खासा मूव आपके सामने है। आप देखोगे 13 अप्रैल 2021 को करीब 193 रुपीज़ के आसपास था, आज के टाइम पे करीब 800 प्लस है। आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा खासा मूव चल रहा है। और मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं बढ़िया आईटी सेक्टर शेयर आप ढूंढो अगर आप सही लगता है और उसमें लॉन्ग टर्म करो कि आईटी सेक्टर का जो इंडिया में आने वाले 5-10 साल बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। अभी के लिए आपके पास अगर शेयर है तो इसमें है ना सिंपल जो हमें SL फॉलो करना चाहिए। जो हमारा SL आ रहा है वो आ रहा है करीब 780 का एक स्ट्रॉन्ग SL है। आप इसे अभी के लिए फॉलो करो और अगर आप इस शेयर में एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखो अगर आपका बहुत लंबा टाइम का है तो आप बाय कर सकते हो। पर अगर आप सही एक टारगेट बोलोगे एक सही प्राइस बोलोगे जिस पे हमें बाय करना चाहिए तो करीब 700 रुपीज़ के आसपास जब आपको शेयर मिले तब बिल्कुल सही टाइम से बाय करने का अभी का जो सिनेरियो है। पर आने वाले टाइम में देखो मुझे लगता है और ज़्यादा गिरावट में हो सकती है। अगर हुई तो बेटर है तो एक अच्छा मौका मिल सकता है आपको बाय करने का। पर अभी के लिए जो सबसे सही टाइम है 700 रुपीज़ यानी करीब 700 रुपये के आसपास सबसे सही टाइम से बाय करने का जो SL 780 का। अभी का ऑल टाइम हाई पे शेयर चल रहा है। अभी अगर आप जिस प्राइस पे 3 या 4 दिन सस्टेन होता है तो आने वाले टाइम में 900 रुपीज़ यानी करीब 900 रुपये तक भी शेयर जा सकता है। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है सुमित इंडस्ट्री लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 12 रुपीज़ 85 पैसे और इसकी डे की क्लोजिंग हुई करीब 10% के आसपास डे हाई पे। एक बार हम इसका लेवल देख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपके सामने तो अभी के लिए देखो अच्छा खासा पीक है। पर इसका जो चार्ट का पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ इस शेयर में ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। पैनी शेयर है और ट्रेडिंग अगर आप करते हो पैनी शेयर पे पहली बात इस शेयर मत करो। अब अभी के लिए जो आपके पास शेयर है तो इसमें SL जो हमारे पास आ रहा है करीब आ रहा है 12 रुपीज़ का यानी करीब 12 रुपीज़ का। अगर ये 14 रुपीज़ के ऊपर यानी करीब 14 रुपये के ऊपर 3 या 4 दिन सस्टेन होता है तभी इसमें कोई अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इस शेयर में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो देखो सिंपल है पैनी शेयर है। जब तक फंडामेंटल पूरी तरह क्लियर नहीं होते पूरी तरह कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो लॉन्ग टर्म भूल जाओ। अगर जो एक प्राइस है अगर आपको करीब 9 रुपीज़ के आसपास शेयर कभी मिले तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाय कर सकते हो। पर अगर आपकी फंडामेंटल पूरी तरह क्लियर है शेयर के ऊपर तब। आज के लिए इतना ही। मिलता है नई वीडियो में नए शेयर के। किसी शेयर में किसी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।